आज हम बनाने जा रहे हैं आलू टिक्की। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर एक बॉल लिए हैं, उस बॉल में हम उबले हुए आलू ले लिए हैं। अब इसे हम मैश कर देंगे। देखिए हमने मैश कर लिए हैं। अब हम इसमें प्याज डालेंगे जिसे हमने बारीक काट लिए थे, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटी हुई करी पत्ता, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, कद्दूकस किया हुआ गाजर। अब हम इसमें ब्रेड डालेंगे जिसे हमने ग्राइंड कर लिए थे, जीरा, सौंफ, चिली फ्लेक्स, हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए हमने अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब हम इसका छोटा छोटा पेड़े के आकार का लोई बनाएंगे। इस तरह गोल करके हम दाब लेंगे। देखिए हमने बना लिए हैं इस तरह करके। इसी तरह करके हम सभी को बनाते जाएंगे। हमने यहाँ पे 5 लोई तैयार किए हैं। अब चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा करके तेल डाल देंगे और इसे हम गरम होने देंगे। तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें बनाए हुए आलू टिक्की डाल देंगे। हमने सभी टिक्की को डाल दिए हैं। अब इसे सेकने के बाद पलट लेंगे। देखिए नीचे से सिका चुका है। अब इसे हम पलट लेंगे और पलटते हुए हम इसे सेलो फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारा ये सेलो फ्राई हो चुका है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए ये आलू टिक्की कितना क्रिस्पी बना है। इसी तरह करके हम सभी को निकाल लेंगे। देखिए हमने सभी को यहाँ पे निकाल लिए हैं। अब ये आलू टिक्की बन करके तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।